उसके बाद इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है 3x^2 - x - 4। तो क्या करना है, a की वैल्यू आपको पता 3 है, b की वैल्यू कितनी है -1 है, और c की वैल्यू जो है -4 है। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 × 4 ये आपका आ गया 12। 12 के आपने करनी है फैक्टर, क्या करनी है 12 के करने हैं आपको फैक्टर। और फैक्टर कैसे करते हैं, देखिए 1 की टेबल में 12, 2 की टेबल में 6 पे, 3 की टेबल में 4 पे, और 4 की टेबल में 3 पे, दोनों सेम है तो इसको हटा देंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये 1 किससे आ रहा है, ये वाला 1, इसके आगे क्या है, ये 1 है, और 1 कैसे आपको निकालना है देखिए, 12 और 1 13, 12 में से 1 गया 11, कैंसिल, 6 और 2 8, 6 में से 2 गए 4, ये भी कैंसिल, 4 और 3 7, 4 में से 3 गए 1 आ गया। देखो भाई यहाँ पे ये 1 आता है, लेकिन 1 चाहिए हमें माइनस का, तो हम इसको ये कर देंगे माइनस, ये ऑटोमेटिक प्लस और ये माइनस, तो माइनस के 4 प्लस 3 इक्वल टू माइनस के 1। तो यहाँ लिखेंगे 3x^2 - 4x + 3x - 4, इनकी आपस में कॉमन लेकर सोल्व करना है, जीरोज फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x इज कॉमन, एक 3 है एक 4 है, 3 और 4 किसकी टेबल में आया, वो किसी की भी टेबल में नहीं आएगा, तो कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 3x स्प्लिट कर देंगे, x इज कॉमन, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे आया हमारा 3x माइनस के, यहाँ पे 4x है और x इज कॉमन तो कैंसिल होके यहाँ पे आया 4। तो 3x माइनस 4 कॉमन है, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, देखिए 1 आएगा कैसे, क्योंकि जब हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट आपस में डिवाइड करना है, जो कि 1 पे कैंसिल हो रहा है। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल 4 और x इक्वल 4/3। ऐसे ही हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कॉमन जो दोनों है उनमें से एक लेना है, यहाँ पे एक लेना है 3x - 4 = 0, 3x माइनस का है तो प्लस का, और x इक्वल 4/3, एक्स प्लस 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -1। तो यहाँ पे एक अल्फा, अल्फा हम कर रहे कंसीडर 4/3 को, और बीटा कंसीडर कर रहे हैं -1 को। अब कैसे करना है वेरीफाई करते हैं, और ये आपका आखिरी पार्ट है इससे क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है सम ऑफ जीरोज, ये होगा अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो सम ऑफ जीरोज की बात करें 4/3 प्लस में -1 इक्वल माइनस, बी की वैल्यू है यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 3। तो हम यही करेंगे 4/3 - 1/1 और यहाँ 1/3 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 3 से 3 डिवाइड, तो 1 1 की 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 की 3 से 3 3, तो 1/3, तो 4 में से 3 गए 1 डिवाइड में 3 है तो 3 लिख देंगे, तो यहाँ देखिए इक्वल है। अब यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होगा अल्फा बीटा c/a, अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है 4/3 मल्टीप्लाई -1 और c की वैल्यू यहाँ पे -4 और a की वैल्यू 3, तो -4/3 - 4/3। देखिए इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है।